अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वैकेंसीज आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बताऊंगा जो कराची की तरफ से वैकेंसीज आई हैं पाकिस्तान रेलवे में, उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने गूगल या क्रोम की सीट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जॉब अपडेट लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे पहली वेबसाइट जॉब अपडेट RP के इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इधर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज हैं पाकिस्तान रेलवे कराची जॉब 2021, इधर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। पाकिस्तान रेलवे हैज अनाउंस द लेटेस्ट 30+ पोस्ट फॉर गेटमैन। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द लेटेस्ट पाकिस्तान रेलवे जॉब 2021 बिफोर 27/12/21। पाकिस्तान रेलवे ने अनाउंस की है 30 से ज्यादा वैकेंसीज हैं जिनमें गेटमैन की वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट 27 दिसंबर 2021 है। जॉब डिटेल जो है जंग न्यूज पेपर पे इसका एड आया था। जॉब लोकेशन कराची है। हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान रेलवे है। क्वालिफिकेशन मिडिल मांगी हुई है। जॉब टाइप गवर्नमेंट परमानेंट है। तो क्राइटेरिया जो है पूरे कराची से आप अप्लाई कर सकते हैं और कराची के इर्द गिर्द के जिले के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन आपने मेंशन करनी है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो CNH कापी, डोमिसाइल की कापी, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो गेटमैन की वैकेंसीज हैं, टोटल 35 वैकेंसीज हैं और क्वालिफिकेशन मीडियम मांगी हुई है। अप्लाई कैसे करना है, आपने कैंडिडेट शुड अटैच ऑल कॉपीज डॉक्यूमेंट्स एंड कीप देम इन सेफ प्लेस, मतलब आपने पूरी कॉपीज अटैच करनी है दरख्वास्त के साथ और सेफ प्लेस पे भेज देनी है। कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अदरवाइज हेयर हिज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट। आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है नहीं तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। दी पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड अप्लाई थ्रू दी प्रॉपर चैनल। अगर आप पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की तो आप उधर से प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे। तो ऑफिस एड्रेस ये है फेल्ट LT और मस्जिद अहमद DPO फॉर डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे कराची। और नीचे इन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है, इधर से आप विजिट कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज हैं और एडवर्टाइजमेंट पेज है। एडवर्टाइजमेंट पेज पे बताया गया है कि क्या वैकेंसीज हैं। गेटमैन की वैकेंसी है DSP2 की, मतलब है स्केल है और टोटल सामियां 35 हैं और दो साल की मुदत के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्र, मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो उम्र उन्होंने हद मांगी हुई है 18 से 25 साल और फौजी के लिए उम्र का मतलब राय दी गई है 15 साल तक की। और इसी तरह डोमिसाइल जो कि आपको बताया गया है कि वो ही अप्लाई कर सकते हैं जो इस डोमिसाइल के मतलब जिला के डोमिसाइल रखते हैं, जिस तरह के मीरपुर हास, छठा, थर पार्क और उमरकोट, कोटरी, जामशूरा, सांगड़ और मुख्तलिफ जिले हैं, जैसा कि हैदराबाद और कराची मोहम्मदान और कराची डिवीजन, मेटरगंज, मीरपुर, हास्ता, इन जिला के डोमिसाइल रखने वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो अप्लाई करने का तरीका आपको बता दिया गया है और दस्तावेजात जो हैं वो उन्होंने बताए गए हैं कि कंप्यूटराइज नागरिक कार्ड और आपने एक दरख्वास्त भी लिखवानी है, जो कि आपने दरख्वास्त लिखवानी है जमा करवाना है। मतलब ये देखिए उन्होंने बताया उम्मीदवार बकायदा टाइप शुदा या तहरीर अपनी दरख्वास्त जिस पर मुकम्मल कवायद दर्ज हो, मतलब जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुतालिक आपने पूरी दरख्वास्त बनवानी है। कोई भी कंप्यूटर शॉप से आप वो दरख्वास्त बनवा सकते हैं, उसमें अपना फुल पता भी दें और शनाख्ती कार्ड नंबर भी, अपना नाम और जिसको आपने भेजनी है, मतलब इन्होंने अपना बताया हुआ है कि DPO को भेजनी है। ये आपने जो है उन्होंने कहा है कि 27 दिसंबर 2021 से पहले पहले आपने भेज देनी है। उन्होंने दिन का टाइम बताया है 10 से दोपहर 3 बजे तक, ये टाइम है, इस टाइम के दरमियान आपने भेजनी है। ये नीचे बताया गया है DPO बराए
डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे कराची, ये इनका ऑफिस एड्रेस है। आपने इधर पोस्ट ऑफिस के थ्रू या TCS करवा देनी है। ये थी वैकेंसी जो पाकिस्तान रेलवे कराची की तरफ से आई हुई थी। आपको बता दिया गया है किस तरह अप्लाई करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू सो मच।